नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। कोलारस में होने वाले उपचुनाव में वोटिंग शुरू हो गई। सुबह 7 बजे से ही वोट डालने के लिए मतदाताओं ने घरों से निकलना शुरू कर दिया। पुलिस की 16 कंपनियां चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए तैनात की गई हैं। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र जैन और कांग्रेस की ओर से महेंद्र सिंह यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कोलारस उपचुनाव में 311 पोलिंग बूथ पर मतदान होना है, जिसमें से 175 मतदान केंद्रों को संवेदनशील माना गया है। कोलारस विधानसभा उपचुनाव में 2,44,497 मतदाता अपने मत अधिकार का उपयोग करेंगे। इन मतदाताओं में 1,30,697 पुरुष और 1,13,753 महिलाएं मतदाता हैं। मतदान शुरू हो गया और आपको ये पता है कि जनता ने हमारा साथ दिया, उससे हमारी रैलियों के माध्यम से आपको भीड़ दिखी है, वो हमारा सपोर्ट था और आज वो पोलिंग पे वोट के माध्यम से बदलेगा और हम भारी बहुमत से चुनाव को जीतेंगे। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और अच्छी बात है कि निर्वाचन निर्भीक और स्वच्छ हो जाएगा। भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।